नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि भुजबले है। मैं वसई मुंबई से हूँ। यहाँ पे हम मूलव्याध भगंदर तज्ञ के तौर पे काम करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे बात किया था मूलव्याध या पाइल्स के बारे में, उसके साइन सिम्टम्स वगैरह ट्रीटमेंट देखे थे। इस बार हम बात करने जा रहे हैं भगंदर के बारे में। भगंदर क्या होता है कि भगंदर एक एनल डिजीज़ है, एक ऐसा रोग है, या यूँ कहो कि ये एक ऐसी फोड़ी है जो अपने आसपास के मांस को गलाकर और उसमें एक सुरंग तैयार कर देता है। अब ये सुरंग जब एनल रीजन पे होती है, मतलब जो एनल रीजन है जिसको हिंदी या मराठी में गुद मार्ग कहते हैं, जब ये डिजीज़ वहाँ पे होता है तो इसको एनल फिस्टुला कहते हैं या फिस्टुलाइन एनो कहते हैं। इस जो सुरंग जो बताया, जो टनल जो हम बात कर रहे हैं, उस सुरंग का एक सिरा स्किन के बाहर होता है, एनल रीजन के बाहर स्किन के ऊपर दिखाई देता है, और दूसरा स्किन के अंदर एनल रीजन के अंदर से निकलता है। ये फिस्टुला कभी कभी ओपन रहता है, कभी ब्लाइंड भी रह सकता है। इसमें अगर साइन सिम्टम्स देखे जाए, पेशेंट को कैसे पता चले कि वो फिस्टुला है उसको या इस डिजीज से जा रहा है, तो उसमें जो फोड़ी होती है उसमें से पस डिस्चार्ज, ब्लड, फिकल मैटर आ सकता है। गीलेपन की वजह से चिड़चिड़ापन, बेचैनी रहती है, और अगर ये ज़्यादा पुराना है तो इसमें टेम्परेचर भी रिपीटेडली फीवर आते रहता है। ये बीमारी होती कैसे, इसके कॉजेज अगर पर्टिकुलर कॉजेज हैं तो मेन इसके 4 या 5 कॉजेज ही हैं, जिसमें सबसे पहला कॉज है इन्फेक्टेड एनल डिसऑर्डर, इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन क्यों होता है? अब जब सिर्फ फिशर्स है, मतलब एनल रीजन को सिर्फ हार्ड स्टूल या स्ट्रेन की वजह से अगर कट्स आ गए हैं, जख्म हो गई है, और उस जख्म को अगर हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, उसको अगला निगलेक्ट करते हैं, डिले करते हैं, तो ये जो फिशर है, ये जो कट है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से पस तैयार होता है, और पस होने की वजह से फोड़ी तैयार होती है, तो इसके लिए टाइम लगता है। इसलिए अगर फिशर जम है या सिंपल कट्स हैं, अगर हम तभी ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा ऑइंटमेंट या हॉट सीट बात करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो ये वहीं पर वैनिश हो सकता है। पर फिस्टुला एक थोड़ा निग्लिजेंसी का ही डिजीज़ है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये डेवलप होता है। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला डेवलप हो रहा है तो भी इसमें वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर, अनपस डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग है हाइजीन, हाइजीन इशू, अनक्लीन एनल एरिया, अगर ठीक से बॉडी की साफ सफाई नहीं है तो भी फिस्टुला एक इसका मेन कारण है। थर्ड कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस या कॉन्स डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें भी फिस्टुला पाया जाता है। फोर्थ कॉज, मेन कॉज है, जो अभी बहुत रेयर भी हो रहा है, वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु भी फिस्टुला को पैदा कर सकते हैं, उन पेशेंट्स में भी फिस्टुला एक डायग्नोसिस मिल सकता है। एंड देन लास्ट फिफ्थ इज कैंसर। फिस्टुला एक ऐसा डिजीज़ है जो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके ट्रैक्स और उसके रूट अगर ज़्यादा डीप हैं, हाई एनल और लो एनल फिस्टुला हो जाता है, मल्टीपल फिस्टुला होते हैं, लॉन्ग ट्रीटमेंट लगती है इन सब चीज़ों के लिए, और करते करते भी पेशेंट कैंसर में जा सकता है। तो जब पता चले, जब ये साइन सिम्टम्स दिखे, तो किसी भी पास के फिजिशियंस के पास जाके या जनरल सर्जन के पास जाके इस डिजीज़ को दिखा देना, उसके बारे में सलाह मशवरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक गुप्त रोग नहीं है, वेरी फ्रैंक टॉपिक या नोट है ये कि ये एक गुप्त रोग बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसमें शर्म आने वाली बात या कैसे दिखाएं, किसको दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी कुछ भी एनल रीजन पे दिखता है, पस डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, पूरी दर्द, इचिंग, कुछ भी, तो सर्जन से मिलना चाहिए, उसके बारे में मशवरा कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो फिस्टुला या भगंदर के लिए आज की डेट में शारसूत्र एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें रिकरेंस नहीं है और जो पूरी तरह से सेफ है। जो अगर हम इसका ट्रीटमेंट का देखते हैं तो जो INDR या फिर इंसिजन ड्रेनेज ट्रीटमेंट है या फिस्टुरोक्टॉमी जो ट्रीटमेंट की जाती है, थोड़ा उससे बेटर हटके ये शारसूत्र ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ है, कम टाइम लेता है, नो नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन, नो नीड फॉर ऑपरेट। एक लोकल एनेस्थीसिया देके या लोकल ओपीडी लेवल पे भी यह शारसूत्र किया जा सकता है। इस शारसूत्र मीन्स, शार मीन्स एसिड एंड सूत्र मीन्स थ्रेड, तो थ्रेड के ऊपर जो मेडिसिन लगी हुई रहती है वो एक आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है, जिसको करने के लिए 14 या 21 दिन लगते हैं। ये जो मेडिसिन का थ्रेड है, ये उस सुरंग से, जो हमने पहले डिस्कस किया कि फिस्टुला तैयार कैसे होता है, वो जो पूरा रूट है उस रूट से डाला जाता है स्किन लेवल टू एनल लेवल तक। अब ये फिस्टुला एक हो या 4 हो 5 हो, जितने भी हो, उसमें ये शारसूत्र डाला जाता है। ये जो शारसूत्र
जो मेडिसिन युक्त थ्रेड हमने डाला है इसको हर सातवें दिन चेंज करना पड़ता है। तो ये जो पूरा 7 डेज का इसका ड्यूरेशन रहता है, इन 7 डेज में ये शारसूत्र कटिंग और हीलिंग दोनों काम एक साथ करता है। मतलब आपकी जख्म भर के भी आती है और ये हील भी होता रहता है। इसको अलग मेडिसिन की वैसे ज़रूरत नहीं है। सिंपल हॉट सेट बात या लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई पेन किलर ऑर्मेंट लगा लिया तो हम इससे दर्द से बच सकते हैं। पेन का ज़्यादा इशू इस ट्रीटमेंट में नहीं रहता है क्योंकि इसमें कटिंग सीजर ब्लेड आपके बॉडी के ऊपर यूज़ नहीं होता है। ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और सिर्फ करने के बाद इसका फॉलोअप डॉक्टर्स को मिलते रहना चाहिए। थ्रेड चेंज टाइम टू टाइम करना चाहिए क्योंकि अगर थ्रेड चेंज में भी अगर देरी होती है तो अगेन इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए जैसे ही टाइम आता है 7वें या 6वें दिन उसको चेंज करना चाहिए। ट्रीटमेंट के 15 दिन तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने में मिर्च मसाला नॉनवेज ना आए, आपको हैवी व्हीकल्स या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए एंड प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए। हॉट सीट बाथ एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद अगर हमको डेली रूटीन करना है, अगर आपके स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस हैं, अगर आपको ठीक से करना है तो हॉट सीट बाथ एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, बहुत से मतलब पढ़ाई के बाद और हज़ारों साल पुरानी ट्रीटमेंट है इसलिए इसमें रिकरेंस रेट बिल्कुल नहीं है। ये जैसी ट्रीटमेंट पहले थी वैसे ही आज यूज़ की जाती है, इसमें कोई मेडिसिंस का और किसी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं है। जो मेडिसिन पहले यूज़ की जाती थी वही आज यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से फिस्टुला के बारे में या भगंदर के टॉपिक के बारे में